आप सभी जानते हैं कि नशे में मुलव्वस लोगों के लिए एक ऑर्डर है। कोई भी नशे में मुलव्वस पाया जाता है तो उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाती है या फिर उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जाता है। कैसा ही मामला बांडीपुरा से सामने आया है। आपको बता दें, बांडीपुरा पुलिस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि एक शख्स जो कि ड्रग पैडलर है, जिसका नाम आमिर राशिद शेख बताया जा रहा है, जिसका ताल्लुक शिवलत सुंबल इलाके से बताया जा रहा है, इसके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है और बताया जा रहा है उसमें सेविंग्स करीबन 1,70,807 रुपए है और इस बैंक अकाउंट को फ्रीज किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अथॉरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा इस अकाउंट को फ्रीज किया गया है और बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि ये लोग जिस तरह से ये नशा, ये जहर फैलाने की कोशिश सोसाइटी में करते हैं, अगर कोई एक शख्स नशे में मुलव्वस होता है या नशा लेता है तो पूरा परिवार उसका तबाह हो जाता है। तो इंतजामिया द्वारा हर पल ये एक्शन जो लिया जा रहा है, उम्मीद है जड़ से ये जो नशा उखाड़ने में कामयाबी अथॉरिटी को मिलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को मिलेगी। फिलहाल बांडीपुरा से जो खबर सामने आ रही थी उससे आपको रूबरू करवाया, देखते रहिए।